सबसे पहले डायना की एयर राइफल है, ये सिंथेटिक स्टॉक में आती है। जैसे असली राइफल को कॉक करना है ऐसे ही कॉक करना पड़ता है। इसका स्टॉक जो है वो कैमोफ्लेज है, बहुत लाइट वेट है और ये बहुत बैलेंस्ड राइफल है। पैंथर आर्म्स की क्लासिक A4 है, ये 85,000 की मिलेगी, जायंट लुक है। और आप अगर इसका वेट देखेंगे साइड लोडिंग के साथ है, काफी बल्की लग रही है ये। जब हमने चलाना है इसको पीछे कॉक करना है, मतलब इसके अंदर लाइट जलती है। तो अभी गाइस मैं पहुंच चुका हूँ एयरगन की शॉप पे और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ आज इंपोर्टेड राइफल एक से एक। तो अभी गाइस ये देखो मैं पहुंच चुका हूँ अभी अमन एयरगन इंडिया, अमन रियल्टर्स। देखो तो चलते हैं अभी शॉप के अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको एक से एक वैरायटी एयर राइफल्स की। चलो गाइस चलते हैं। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके दोबारा अमन एयरगन इंडिया पे और आज हम आपको दिखाने वाले इंपोर्टेड एयर राइफल्स का कलेक्शन। ये हमारे भैया, भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाए कैसे हैं? तो अभी देख लो भैया ने सारे इंपोर्टेड जितने भी राइफल्स सब लगा दिए। देखो आज की वीडियो में हम अपने एयर राइफल्स की कलेक्शन दिखाने वाले हैं और वो भी स्पेशली इंपोर्टेड वाली है राइफल्स। तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। अभी हम आपको थोड़े बहुत ही दिखा पाएंगे क्योंकि स्पेस का इशू है। नेक्स्ट वीडियो में इससे और अलग प्रोडक्ट दिखाएंगे और वैरायटी दिखाएंगे। हम आगे से शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले डायना की एयर राइफल है, ये डायना का 350 पैंथर मैग्नम मॉडल है। ये सिंगल शॉट एयर राइफल है, ये सिंथेटिक स्टॉक में आती है। सिंथेटिक स्टॉक में हमारे को बेनिफिट ये रहता है कि हमारे को जब हम लोड करके चलाते हैं तो हमारे को उसमें रिकॉइल कम लगता है। ब्रेक बैरल में एक ऐसी राइफल है जिसकी FPS 1200 से ऊपर FPS है, तो ये बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी है राइफल है। लोग अपने शूटिंग प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। 1200 से ऊपर FPS है इसकी। उसका नाम क्या है? डायना 350 मैग्नम पैंथर मॉडल है। इसमें भी बहुत सारे मॉडल आते हैं, हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं। इसके बाद गाइस ये देख लो, ये है डायना की 350 मैग्नम। अच्छा और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है आपकी 50,000 रुपीज। अब हम आपको दिखाएंगे डायना की स्टॉर्म रेडर। ये PCP एयर राइफल है, ये डायना की सबसे लाइट वेट में और मल्टीपल शॉट एयर राइफल है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसको हम सिंगल शॉट में भी यूज कर सकते हैं। आज की डेट में कॉम्पिटिशन पे जो खेलने वाले बच्चे हैं वो सिंगल शॉट यूज करते हैं, तो उसको अगर हम चाहें तो प्रॉपर कंपटीशन के लिए सिंगल शॉट यूज कर सकते हैं। और अगर हमें अपनी फन प्रैक्टिस के लिए यूज करना है तो उसमें हम मैगजीन भी यूज कर सकते हैं। ये इसकी मैगजीन है, ये इसकी 9 शॉट की मैगजीन है। इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसको रिमूव करके हम इसमें 9 शॉट की इसकी मैगजीन डाल सकते हैं। फिर ये 9 शॉट फायर करेगी, बट ये बोल्ट एक्शन है। इसको आपको जैसे असली राइफल को कॉक करना है ऐसे ही कॉक करना पड़ता है। और इसमें सेफ्टी लॉक भी दिया हुआ है, तो ये देखो ये रहा इसका सेफ्टी लॉक भाई। और ये इसका मीटर गेज है, इसके अंदर सिलेंडर में कितनी इसमें प्रेशर है ये भी सारा यहाँ से आपको दिखता रहेगा। तो ये सारी CO2 है आपके पास? ये CO2 नहीं है, ये कुछ ब्रेक बैरल्स हैं और कुछ PCP हैं और कुछ हैं जो 88 ग्राम CO2 सिलेंडर से चलती हैं। अभी हम आपको सारी दिखाएंगे। और भैया इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 45,000 है। ये सबसे रीजनेबल बजट के अंदर PCP एयर राइफल आती है भाई। ये देख लो, ये आपको मिल जाएगी 45 की। और इसकी तुम लुकिंग देख लो, ठीक है, तुम्हें पूरी लुकिंग दिखाई देगा, ध्यान से इसकी अच्छे से देख लो। इसकी वुड फिनिश भी इतनी प्यारी है। और ये वाली थी अपनी डायना की 350। हाँ जी, ये डायना की, ये भी 350 मैग्नम है। ये वाली भी 350 मैग्नम है। इसका स्टॉक जो है वो कैमोफ्लेज है। और इसकी लुकिंग तुम देखो, काफी प्यारी लग रही है इसकी लुकिंग। इसको वैसे नॉर्मली हम जंगल प्रिंट भी कहते हैं, जंगल प्रिंट। ये आप देखो डायना का, इसमें तो ये देखो डायना की पूरी ब्रांडिंग है और पूरा मॉडल वगैरह लिखा हुआ है। ये भी डायना की 350 मैग्नम है, ये मेड इन जर्मनी है। डायना सारी मेड इन जर्मनी आती है। और ये कितने शॉट है? सिंगल शॉट, ये ब्रेक बैरल सिंगल शॉट है। ब्रेक बैरल सिंगल शॉट, एक ही चलेगी एक बारी में जी। और इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस 55,000 रुपीज है। ये दोनों मॉडल सेम है लेकिन स्टॉक का फर्क है। इसमें प्लेन ब्लैक कलर का स्टॉक है, ब्लैक कलर का। इसके अंदर कैमोफ्लेज स्टॉक है। मतलब इसमें क्या है कि जो लुकिंग है उसकी उसकी फर्क है, सिर्फ लुकिंग का फर्क है। मार दोनों की सेम है, सिर्फ लुकिंग का फर्क है। अब हम दूसरी एयर राइफल पे जाते हैं। ये हैमरली की 850 एयर मैग्नम है। ये रेयर ऑफ द रेयर पीस है, इंडिया में हर जगह मिलेगा नहीं है। ये 88 ग्राम CO2 सिलेंडर से लगता है। जो मल्टीपल शॉट एयर राइफल्स आती हैं उसके अंदर सिलेंडर को भरने के लिए कई लोगों को परेशानी होती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पे 88 ग्राम का सिलेंडर आता है। वो सिलेंडर यहाँ पे लग जाता है। एक बार आपने वो सिलेंडर लगा दिया उसके बाद आपके 100-150 शॉट्स इसको फायर करता है एक सिलेंडर से। सिंथेटिक स्टॉक में है और बहुत लाइट वेट है और ये बहुत बैलेंस्ड राइफल है। प्यारी लग रही, काफी प्यारी लग रही। तुम लुकिंग देख लो इसकी एक बारी, ये देखो। और ये देखो आगे जो लगा रखा है, ये देखो ये एम के लिए है। ये देखो ये आपको दे देंगे 60,000 रुपीज की। इसमें 850 फीट पर सेकंड है। इसका मॉडल नेम ही 850 एयर मैग्नम है, तो 850 की स्पीड है, 850 FPS की स्पीड है। अच्छा भाई एक बात बताओ, जो रियल गन की होती है उनकी PSI कितनी होती है? उनकी PSI बहुत ज्यादा होती है। ये एयर राइफल्स है, इनकी PSI उससे बहुत कम होती है, इसीलिए इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। ये हार्म करने के लिए नहीं है, ये इसका यूज करने के लिए है, मिस यूज करने के लिए नहीं है। मिस यूज मत करना भाई, इसका यूज ही करना जब भी करो तो। ये पता है क्या, ये मेरे को कैसी लग रही है, पबजी में आती है ना M146, ये क्लासिक A4 आती है। हाँ असली वाली में ये वही लग रही है मेरे को M146। ये पैंथर आर्म्स की क्लासिक A4 है। ये इस एयर राइफल को देख के कोई नहीं कह सकता कि ये ब्रेक बैरल होगी, और ये ब्रेक बैरल एयर राइफल है। क्लासिक ब्रेक बैरल है, क्लासिक ब्रेक बैरल। वाओ,
यहाँ पे इसका पैलेट लगता है, ये देखो यहाँ पे इसका पैलेट लगेगा, ये ऐसे लोड हो जाएगी और ये ऐसे फायर होती है। सिलेंडर लगता है इसमें? नहीं, नॉर्मल है ये, नॉर्मल ब्रेक बैरल है। ब्रेक बैरल में कोई सिलेंडर नहीं लगता, इसको हम लोड करेंगे उसी से इसका प्रेशर क्रिएट होता है। उसकी प्राइस क्या है? ये 85,000 की मिलेगी। इंडियन एयर राइफल जो होती है की तरह की कैटेगरी में एयर राइफल आती है, लेकिन ये बहुत अच्छी है, देखने में बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी फिनिश बहुत अच्छी है, इसका ब्रांड बहुत अच्छा है, इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। A few inches later. अभी गाइस अपने अपन ने लोड कर दिया, इसको चलाते हैं वीडियो, फिर चलाएंगे नीचे इसको। मतलब एकदम सा खुशबैक हुई है ऐसे, और भाई काफी अच्छी लगी मेरे को। तो ये पबजी की वो है M1460 है, जो तुमने गेम खेली हो पबजी, उसमें आती है वाली गन, और इसका लुक देख लो ऐसे एक बार, काफी प्यारी लग रही है भाई ये वाली। ये है डायना की 350 मैग्नम क्लासिक, ये भी डायना क्लासिक मैग्नम है, ये भी डायना की है। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि डायना 350 मैग्नम में भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, तो हमारे पास सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। ये क्लासिक है, ये जो हमने पहले दिखाया था, ये पैंथर मॉडल है, ये पैंथर में कैमोफ्लेज मॉडल है। ये नेक्स्ट है आप गैमो की रोडस्टर 10X IGT जनरेशन 2, और इसको मैंने पहले भी देख रखा है और काफी अच्छी लगती है भाई मेरे को ये वाली गन। और तुम इसका ना आगे से लुक देखो भाई, बैरल देखो कितनी मोटी है इसकी, बैरल कितनी मोटी है, बैरल देखो इसकी, और देखो फ्लूटेड बैरल है, और आगे से इसके लुक देख रहे हो, जॉइंट लुक है। और आप अगर इसका वेट देखेंगे तो इसका वेट बहुत लाइट वेट है, 2 फिंगर से उठाई हुई है। और ये पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी आई है ब्रेक बैरल के अंदर, जिसमें हम यहाँ पर 10 शॉट्स की मैगजीन डालेंगे एक बार में फिल करके, उसके बाद हमने सिर्फ कॉक करना है और चलाना है, कॉक करना है और चलाना है। इसमें कोई सीओटू नहीं है, कुछ नहीं, और कोई इसमें पीसीबी नहीं है, कोई कंप्रेस गैस नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सिर्फ एक बार 10 शॉट्स को लोड कर देना है, उसके बाद लोड कर देना है, चलाते रहना है। और इसमें सेफ्टी लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये देखो ये सेफ्टी लॉक, ये सब सिलेंडर वाली है। और इसके बाद ये वाले जो आएंगे ये सब सिलेंडर वाली है, इसके लिए एक पंप आता है, उस पंप से बनने लास्ट में पंप भी दिखा देंगे। तो इसकी क्या प्राइस है? ये हम आपको दे देंगे 55,000 रुपीज, 55,000 की। भाई काफी अच्छी लग रही है, इसका नाम था गैमो रोडस्टर 10X। गैमो रोडस्टर 10X का मतलब है 10 शॉट्स है, IGT जनरेशन 2 का मतलब है कि ये सबसे लेटेस्ट जनरेशन की एयर राइफल है। 10 शॉट्स की है, तुम लुकिंग देख लो इसकी एक बारी, तो मैं लुकिंग दिखा दूँ आप में। तो ये देखो यहाँ से भी कुछ, ये देखो बटन से लग रहे हैं, ये रिकॉइलिंग पैड्स है, अगर आपको झटका ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। इसके बैरल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये आ गई, ये डायना की प्रीमियम मॉडल है, ये डायना की आउटलो मॉडल है। आप इसकी एक बार लुक्स देखिए और इसकी वुडन की फिनिश देखिए, काफी बल्की लग रही है ये भाई, बहुत बढ़िया गन लग रही है, बहुत बढ़िया। आपके हाथ में तो काफी बढ़िया लग रही है, मतलब ना अलग ही लग रहा है एकदम। साइड लोडिंग के साथ है, आप आगे से आगे दिखाना, ये भी वैसे ही है, इसके अंदर मैगजीन भी लग सकती है और ये सिंगल शॉट भी चल सकती है। या तो आप इसमें 10 शॉट की मैगजीन लगा लो, और या अगर आपने शूटिंग प्रैक्टिस कंपटीशन प्रैक्टिस करनी है तो सिंगल शॉट लगा के फायर कर लो। तो ये डायना की कौन सी है? आउटलो। और काफी तुम इसकी लुकिंग देख लो, ये देखो डबल बैरल में आती है, नीचे इसका सिलेंडर है गैस सिलेंडर, और लुकिंग देख लो, ऊपर इसकी पूरी बैरल है। और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस आपको 75,000 रुपीज की है। काफी अच्छी गन है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये बेंजामिन की मराडर है। क्या नाम था इसका? बेंजामिन मराडर। बट काफी अच्छी लग रही है ये भी, और देखो इसके नीचे भी मेरे ख्याल से ये मीटर दे रखा है जी। तो ये मीटर किस चीज का? PSI मीटर है जी। ये जितनी पीसीपी एयर राइफल्स होंगी ये सब में मीटर आएगा आपको, कि नीचे सिलेंडर में कितनी गैस है, कितना प्रेशर है, मीटर बताता रहेगा। ये भी 10 शॉट्स है, साइड लोडिंग है, एक बार आपने ऐसे लोड करना है या मैगजीन पुट कर रखनी है, उसके बाद आपने इसको फायर करना है। इसकी क्या प्राइस है? इसकी 75,000 रुपीज प्राइस है। तो भाई ये भी काफी प्यारी लग रही है, और इसकी लुकिंग भी काफी बढ़िया है, मतलब इन दोनों की लुकिंग काफी बढ़िया लगी मेरे को। और अभी दोनों वुडन फिनिश में है, वुडन फिनिश में। तो ये काफी बल्की गन लग रही है भाई, ये देखो। सो अभी गाइस वेयर देखो, ये काफी बल्की गन निकाल लो, बस इसकी लुकिंग देखो। देखो ये वॉल्टर की रोटेक्स मॉडल है, इसमें सिंथेटिक भी आती है, सिंथेटिक स्टॉक और वुडन स्टॉक भी आता है, हमारे पास दोनों स्टॉक अवेलेबल है। ये सिंथेटिक स्टॉक में थंब होल मिल जाता है आपको, ग्रिपिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। ये भी साइड लोडिंग है, ऐसे लोड होती है, इसको पीछे करेंगे तो इसकी मैगजीन बाहर आ जाएगी। ये देखो ये इसकी मैगजीन है भाई, ये देखो ये इसकी मैगजीन है। और ये कितने शॉट है? 10 शॉट्स। 10 शॉट है। तो इसमें पैलेट लगते हैं? पैलेट लगते हैं, हो गया। जब हमने चलाना है इसको पीछे कॉक करना है और इसको आगे करके लोड करना है। और ये जो आगे जो लगा हुआ है ये सिलेंडर के लिए है? ये इसका सिलेंडर है। सिलेंडर लगा हुआ है इसी में? सिलेंडर इसमें लगा रहता है और ये फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होता है। सिलेंडर की शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी, और बाकी इसका बैरल देखो कितना अलग लग रहा है भाई। और आगे से देखो भाई, बहुत सही लग रही है, लुकिंग में काफी बढ़िया है। ये वॉल्थर की रोटेक्स है, RM8। RM8। और इसका प्राइस क्या है? 85,000 का भी काफी। और जो फिल्म होती है हॉलीवुड होगी, बॉलीवुड होगी, बॉलीवुड में तो कम ही, हॉलीवुड में काफी ज्यादा यूज होती है ऐसी गन्स। इसके ऊपर हमने टेलीस्कोप लगाया हुआ है, ये आपको टेलीस्कोप भी दिखाएंगे, आप आ सके देखिए।
इसमें कई सारे फीचर्स होते हैं। अगर आप एम कर रहे हैं, अगर आपका शॉट अप एंड डाउन जा रहा है, उसको करने के लिए एडजस्ट करने के लिए होता है, ये लेफ्ट राइट एडजस्ट करने के लिए होता है, ये इसके अंदर इल्यूजन है, लाइट ऑन करने के लिए होता है। अच्छा, ये इसके कैप्स है। तो रात में भी यूज कर सकते हैं टेलीस्कोप? पूरी रात में नहीं, थोड़ी बहुत शाम वाम में, और थोड़ी सी लाइट चाहिए होती है, थोड़ी सी। ये नाइट विजन नहीं है, नाइट इल्यूजन है, मतलब इसके अंदर लाइट चलती है। अच्छा अच्छा, तो ये भाई दिखाते हैं, कैमरा से दिखाते हैं भाई तुमको। तो भाई ये देख लो, देखो भाई अलग ही लग रहा है एकदम। ये इसका सेफ्टी कैच है। तो ये इसका सेफ्टी कैच है, मतलब लॉक अनलॉक के लिए? जी, लॉक अनलॉक के लिए, आपकी सेफ्टी। तो भैया जो पहले खरीदेगा उसको पहले सीखना पड़ेगा ना चलाना इसको अच्छी तरह? वो 5 मिनट लगते हैं यार। जो टेलीस्कोप है ये अलग से लेना पड़ेगा? टेलीस्कोप अलग से लेना पड़ेगा आपको, 85,000 इसकी एयर राइफल की कॉस्टिंग है। और अंदर हम आपको एक पैलेट का बॉक्स 500 पीसेस का वो कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, और इसके अडाप्टर आएगा, इसकी मैगजीन आएगी, और ये एयर राइफल आएगी बॉक्स पैक। और ये कितने का है ऊपर टेलीस्कोप? ये टेलीस्कोप शुरू हो जाता है 8,000 से, बट ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, 50,000 तक के टेलीस्कोप भी हमारे पास। ये वाला जो है ये अप्रोक्सीमेटली 15,000 के, 15,000 का है। तो भाई बहुत प्यारा लग रहा है टेलीस्कोप, इस गन की लुकिंग काफी अच्छी लग रही है। बाकी भैया के पास काफी सारी वैरायटी देखो इंपोर्टेड एयर राइफल्स की। और भैया आपकी शॉप है कहाँ पर, एड्रेस बता दो एक बार। ये B84 शारदापुरी रमेश नगर में है, ये रजौरी गार्डन के ऑपोजिट है। आप गूगल मैप पे अमन एयर गन इंडिया डालेंगे आपको सीधा यहाँ पे ले आएंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891616516। कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है अमन एयर गन के नाम से, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस देखें। The next day. So guys, ये वीडियो यहीं तक की। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती है, इसलिए मैंने इस वीडियो को इतना ही रखा। बाकी की गन्स है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में दिखाई, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय एंड टेक केयर।